शासन द्वारा केरल राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में उत्पन्न जल प्रलय में बेघर हो चुके नागरिकों हेतु आवश्यक जीवन उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं तथा बताया गया है कि नकद धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में सामग्री की उपलब्धता एवं पैकेजिंग हेतु गोरखपुर क्लब में जिला पूर्ति अधिकारी की अध्यक्षता में कैंप प्रारंभ किया जा रहा है, जहां पर नागरिक स्वच्छता से राहत सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद रुपए जमा कराए जाने हेतु आपदा कार्यालय कलेक्ट्रेट में एक काउंटर संचालित किया जा रहा है, जहां पर आपदा लिपिक को धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभाग में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, विभाग से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से राहत धनराशि एवं सामग्री निर्धारित स्थलों पर उपलब्ध कराएं।